हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे टिंडे की सब्ज़ी। इस तरीके से बनाएंगे कि जो बच्चों और बड़ों को पसंद आएगी। जिसके लिए मैंने लिया है दो टिंडे, ताज़े लिए हैं मैंने। इसको काट लेंगे अब। इसको टिंडे और आलू को मैंने काट लिया है। टमाटर और प्याज को भी पीस लिया है मैंने। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, इसमें जीरा और तेज़पत्ता डालेंगे। छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा डाला है मैंने। एक कद्दूकस की हुई प्याज डाल देंगे इसमें। प्याज को हल्का लाल कर लेंगे। प्याज को हल्का भून लिया है मैंने। लहसुन और अदरक मिर्च का पेस्ट डाल देंगे इसमें। अब इसमें पिसा हुआ टमाटर भी डाल देंगे। अब इसमें गरम मसाला डाल देंगे और धनिया पाउडर डालेंगे। अब इसमें हल्दी डाल देंगे। सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब इसको तेल छोड़ने तक पकाएंगे। अब इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाल देंगे थोड़ी सी। इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और फिर मसालों को पकाएंगे धीमी आंच पर तेल छोड़ने तक। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मसालों ने तेल छोड़ दिया, अच्छे से पक गया है मसाला। अब इसमें टिंडे और आलू डाल देंगे। अब इसको 3 मिनट के लिए भून लेंगे मसालों और सब्जियों को। अब इसमें छोटा 2 गिलास पानी डाल देंगे। अब इसको ढक देंगे, ढक के 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाकर देखेंगे सब्जी पक चुकी है। चेक करेंगे आलू को। सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी है। कटा हुआ धनिया डाल देंगे इसमें। ये देखिए हमारी सब्जी कितनी टेस्टी देखने में लग रही है। आप भी इस तरीके से सब्जी बनाइए, टिंडे की बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं इस पे थोड़ी सा धनिया डाल दूंगी कटा हुआ। लीजिए, हमारी टिंडे की सब्ज़ी तैयार है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। तो वीडियो पर कमेंट करके बताएं मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको, और वीडियो को फुल वॉच करें।